अस्सलामुअलैकुम। ये सेक्टर 5 ही है, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है। वैसे तो सरकारी कागज़ों में ये नॉर्थ कराची टाउनशिप है, लेकिन न्यू कराची का नाम इसको दे दिया गया है। न्यू कराची टाउन के नाम से ये इलाका जाना जाता है। आपको मेरे पीछे में अपो स्कूल नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ के 50 से 60 साल पुराना स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल। और आपको वो नज़र आ रही होगी सामने मोमिन मस्जिद, तो मोमिन मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। और ये इसके आसपास में हशर है। 3 साल पहले भी यही सूरत हाल थी, 4 साल से 5 साल से पानी यहाँ खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जो है इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अब यह सीवरेज का पानी साफ करा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जो है एक्सीएन ऑफिसर माजिद अली साहब को वीडियो बना के मैंने भेजी, उनको बताया कि माजिद अली साहब ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, सड़क बर्बाद हो जाएगी। और उसामा कादरी साहब, आपके लोग यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं और बहुत सारे रिहाइश पजीर हैं, आपके दिए हुए लाखों रुपए का फंड जो है ना ये बर्बाद होने जा रहे थे। तो यहाँ के कुछ इलाका मकीन है जिनकी मदद से, अपनी मदद आपके तहत यहाँ की सड़क तो तबाह होने से बच जाएगी, क्योंकि गटर भी पीछे साफ होना शुरू हो गए। कहने का मकसद ये है कि रिसेंटली जो है, मतलब 1.5 महीने पहले जो है, मैं किसी के घर गया था या नज़दीक ही एक जनाब का घर, कि जनाब यहाँ पर हमारे घर के पास भी एक लाइन डलनी थी। उन्होंने बोला मैंने तुम्हारे घर के पास से गटर लाइन रोकी है और मैं जो है ना वहाँ बनने नहीं दूंगा, तुम वहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, ये कर दो, वो कर दो, जाओ जाके मीडिया वालों से काम करा लो। तो सर, मीडिया वालों से तो 3 साल पहले मैंने अपनी मदद, आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए कदम उठाया था कि उस सीवरेज का मसला उठाने के लिए। उसके लिए भी यानी कि एक MPA साहब है हमारे, उन्होंने जो है वीडियो में कहा था कि डॉन वालों को मैंने भेजा, समा वालों को मैंने भेजा, जंग वालों को मैंने भेजा, तो उन्होंने तो नहीं भेजा था। लेकिन ये भी काम जो ये पानी खड़ा हुआ था ना बारिशों का, वो देख रहे हैं ये गटर खुला हुआ है, उससे आगे एक गटर और खुला हुआ, वो उससे आगे आपको गटर नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ, वो आपको गटर नज़र आ रहा है, वो बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ। तो बताने का मकसद ये कि ये वीडियो पे बाकायदा बयान देने का नहीं होता है। अगर आपने फ़ंड जारी किया था, फ़ंड आपने पास किया था इलाके के लोगों के लिए, तो सड़क बनी थी, लेकिन ये सड़क तबाह हो रही थी, तबाह हो जाती कुछ दिनों में। जिस तरीके से यहाँ पानी खड़ा हुआ था ना सीवरेज का, सीवरेज के लिए कोशिश की मैंने, बारिश हो गई। अब बारिशों के बाद ये होना था, लेकिन आसपास के इलाका मकीन खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो आपका लाखों रुपए दिया गया फ़ंड जो है ना बर्बाद हो जाता है एक झटके में। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप कहीं फ़ंड लगाएं, कहीं इलाका मकीन पर फ़ंड अगर आप जारी करते हैं, फ़ंड लगता है, सड़क बनती है, तो एटलीस्ट इलाके के लोगों से कहें कि उसकी केयर भी करनी है आपने। अब ये इलाका मकीन जो है अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहे हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो उधर जा रहे हैं, कभी किसी पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वो लोग काम करवाते हैं। मस्जिद की तरफ भी एक लाइन तोड़ के छोड़ दी थी एक जनाब ने, और उसके बाद बोला कि नहीं ये जो है ना लाइन अभी नहीं बनेगी, जुलाई में बनेगी। अब तो जुलाई भी ख़त्म होने को आ गया, खैर मुझे तो जून का कहा था, जून ख़त्म हो गया, जून के बाद अब जुलाई ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन लाइन उन्होंने डलवाई किसी और सियासी जमात, मतलब पीपल्स पार्टी वाले ने, सुहेल दिलवी ने ये लाइन डलवा दी मक्की मस्जिद के पास। तो ठीक, यहाँ पर भी यही मसला है, सड़क तो डला दी उनका, तो उससे तो बरी जमा हो गए, लेकिन सड़क की देखभाल भी तो करने के लिए कहा जाए। अगर इलाकों को ऊन करते हैं तो इलाकों पर काम भी तो करें, क्या तबाह करने के लिए इलाके? ये फ़ंड जो है आवाम के लिए जारी किए जाते हैं, या आवाम के टैक्स के पैसों से फ़ंड जो यानी कि आपको मिलता है, क्या वो तबाह करने के लिए, जारी करने के लिए? ये हशर है हमारे इलाके का। पहले भी मैंने इस जगह के लिए आवाज़ उठाई थी, डॉन में ये 2 दफ़ा तस्वीर छपी थी यहाँ की, और आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। आज भी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ सामा कादरी साहब, इलाकों को तबाह होने से बचाना है। आप इलाके के MP हैं, ना कि आप उसामा कादरी साहब, आप इलाके के MNA हैं, ना कि सिर्फ आप काली कलर की वीगो में या जो है लैंड क्रूजर्स में घूमने के लिए हैं, तो इलाकों में आया करें प्लीज़। शुक्रिया सामा कादरी साहब। बताने का मकसद ये है कि आप MNA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और मेंबर नेशनल असम्बली का काम बनता है कि जहाँ सड़क बनी है उन जगहों पे बारिशों के बाद दौरा करें, बारिशों के दौरान में दौरा करें। यहाँ ना स्लोप बना हुआ है किसी किस्म का, ना यहाँ से गटरों में पानी फौरन दाखिल हो सकता है, यहाँ की गटरों का निज़ाम भी तबाह हुआ हुआ है। तो आप मुझे एटलीस्ट ये बता दें कि ये फ़ंड ज़ाया होकर कहाँ जाएगा, ये लाखों रुपये की सड़क जो है बर्बाद हो जाएगी, और ये बारिश के पानी जो है डूबे डूबे हो जाता है। तो यहाँ के इलाका मकीन ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये सड़कें बनवाई हैं, वो इन सड़कों पर खड़ा गटरों का पानी, वो बारिश का पानी जो है वो गटरों में, गटरों की सफाई करवा रहे हैं, खुद अपनी पॉकेट से पैसे दे रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी वालों की मदद से कर रहे हैं। तो बस ये इलाका मकीन के लिए भी कुछ सोच लीजिए, आपने यहाँ लाखों रुपए में सड़क तो बनवा दी है। और एक जनाब का मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर एक आदमी ने जो है अपने घर के सामने जो है वो सड़क डला ली है,
वहाँ पर उस तरफ, और जो है बाकी हिस्से को छोड़ दिया है। तो ये बताने का मकसद ये कि इलाके के लोगों के लिए अगर आप भला करने गए हैं तो कुछ जगहों पे आपने बुरा कर दिया है, और ये आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा चेक इन बैलेंस होना चाहिए। गटरों का निज़ाम तबाह हुआ हुआ है और यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हुआ है, और इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं जो कि सड़कों को तबाह होने से बचा रहा है।